मेवाड़ के अंदर राजा अमृतराज क्या करते थे, जिनका एक लड़की थी जिसका नाम था मीरा। चलो बताते हैं, मीरा की आयु 5-6 वर्ष की थी। राजा मृत की रानी पूजा पाठ में बहुत ध्यान रखा करती थी, मंदिर में पूजा करने, कृष्ण भगवान की पूजा करने के लिए डेली जाया करती। एक दिन वो 6 साल की आयु में मीरा का घेर लेती है अपनी माँ का और पूछती है, माँ तो कहाँ जाती है कि बेटी मैं कृष्ण भगवान की पूजा करने के लिए जाती हूँ। भगवान की उस भक्ति में लोलीन वो 6 साल की आयु में मीरा अपनी माँ से जवाब करती है, सवाल करती है, अगरी मेरी बात तो सुन, क्या बताती है क्या कहती है। बड़े भाई मदन मलिक फिल्मी सी एक कैसीड आपको कल परसों में ही YouTube पे मिलेगी, 200 रुपये से भाई मान सम्मान करते हैं। धन्यवाद मेरे भाई, नया गांव से 50 रुपये से भी मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। पहले नंबर पे क्या कर लगी मेरा, बहुत ही अच्छे कलाकार कुराड़ गांव से मेरे छोटे भाई सत्य, 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद। के का डुडार से भाई सुरेंद्र लंबरदार जी बहुत ही आदरणीय, 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं, धन्यवाद। उत्तर प्रदेश से भाई गुप्तान 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं, धन्यवाद। गुरु जी के लड़के विद्यादत्त जी भाई 100 रुपये से और मान सम्मान करते हैं, धन्यवाद है, धन्यवाद। पहले नंबर पे क्या कहती है मीरा की अकेला की, मां मेरा वीरी भगवान के मामो
जाने रूपकारी में रास्ता टोलू करके दाग मेरी दोलू मेरा चीरियोलू शरी गोविंद के गुणगा स्वरूप बाबा जी गुरु जी ज्ञानेश गिरी जी महाराज बहुत ही नाम पहले 200 रुपये से और मान सम्मान करते हैं धन्यवाद। और 6 साल की आयु में वो लड़की तीसरे नंबर पे अपनी माँ को बताती है कि माँ ननहेड़े से मेरे भाई कृष्ण 100 रुपये से और मान सम्मान करते हैं धन्यवाद। क्या कहा नंबर 3 पे भक्ति ही मयानंद हरि कीर्तन करण देवी जस हो जयो मन भी बसी होते बाबा जी गिरी जी भगवान रूप गिरी महाराज जी 100 रुपये से और मान सम्मान करते हैं बाबा जीओं को गुरु जी को बार बार धन्यवाद है धन्यवाद। गड़बड़ो जगी भाई हाँ मारा जागा बिनाई में मारा जा निर्भाग लुगाई हो से बिनाई में मरवा दे इसे सोता है मारा यो आखिरी में उबावड़े ब्राह्मण नुका आग दादा ने अगर लक्ष्मी चंद को समझाओ किसी तरह कैसे समझता है भाई राजपाल मिस्त्री जी बहुत ही आदरणीय क्या उनपे सम्मान सम्मान करते हैं धन्यवाद। लक्ष्मी चंद को कैसे समझा जा कौन समझावे हाँ भाई नरेश कैसे समझा आजा दादा को और कौन समझावे क्या
दा लक्ष्मी चंदी ने न्यो सहज समय चाल्यो तमें पढ़िए लगा जो टोला